हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल बात किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डिफिनेशन क्या होती है और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कंप्यूटर दो प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप भी पढ़ लिए थे और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के जनरेशन के बारे में और ईयर के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो पहले जो पहली जनरेशन थी यानी कि फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये हमारा चला था 1946 से लेके 1959 तक। और इसमें इस कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब हमारा बहुत बड़ा होता था, इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा होता था और बहुत महंगा होता था। अब आते हैं हम सेकेंड जनरेशन की अगर बात करते हैं तो जो सेकेंड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था इसका जो कार्यकाल चला था ये 1959 से लेके 1965 तक चला था। और इस कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या था, थोड़ा सा वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा होता, हमारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट कंप्यूटर की अपेक्षा जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था ये छोटा हो गया आकार में। फिर आते हैं थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन जो कार्यकाल चला था इसका ये 1965 से लेके 1971 तक चला था। और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था उसका नाम है आईसी चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। फिर अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की तो इसका कार्यकाल जो चला था 1971 से लेके 1980 तक चला था। और इसमें जो टेक्नोलॉजी हमारे डेवलप होकर आई थी उसका नाम है VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और इसके साथ में हमें मिल गया था माइक्रो प्रोसेसर। अगर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की बात करें तो इन तीनों से अच्छा हमारा फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया था। क्यों, क्योंकि इसके पास हमारे पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी और माइक्रो प्रोसेसर था जो कि किसी भी प्रोसेस को बहुत ही स्पीड से करने की क्षमता रखता है। इसके बाद हमारे जो टेक्नोलॉजी आई, हमारा जो जनरेशन बढ़ा, फिफ्थ जनरेशन जब आया तो 1980 से लेके अब तक का जो कंप्यूटर है ये VULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। और जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था ये जो इस समय एक्चुअल साइज आप लोग कंप्यूटर की देखते हैं ये फिफ्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है जिसमें हम लोग अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं जिससे प्रोसेस बहुत ही स्पीड से होता है। अगर बात करें इसके बाद की जो जनरेशन आई सिक्स्थ जनरेशन, ये सिक्स्थ जनरेशन हमारा किसी भी बुक में नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर डेवलप होके आया, यहाँ पे जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हुई यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात करें हम तो जो टेक्नोलॉजी आई हमारी AI जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पर जो कंप्यूटर्स के विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बनाने की कोशिश किया कि कंप्यूटर को ही दिमाग दे दिया जाए। जैसे मनुष्य के पास खुद सोचने की क्षमता होती है उसी तरीके से उन्होंने क्या सोचा कि कंप्यूटर को भी क्यों ना दिमाग दे दिया जाए, कंप्यूटर खुद अपने आप से क्यों ना सोच ले। यहीं पे अगर हम बात करें AI की, इसको मिटा दें, तो हम बात करते हैं AI की यानी कि जो प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही दोस्तों, जो मतलब है हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर वो भी तो यूज हो रहा है लेकिन जो कंप्यूटर्स के हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, विद्वान लोग हैं जिनको जानकारी है कंप्यूटर के बारे में बहुत ढेर सारी, उन्होंने क्या सोचा कि कंप्यूटर को खुद क्यों ना दिमाग दे दिया जाए जैसे मनुष्य काम कर लेते हैं। इसका नाम ही क्या है, AI टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई चीज है यानी कि कृत्रिम चीज है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, यानी कि कंप्यूटर को ही क्यों ना आर्टिफिशियल तरीके से बुद्धिमान बना दिया जाए। जैसे हम बात करें कि कंप्यूटर पे जैसे कोई चीज सर्च करते हैं, मान लीजिए जैसे हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई चीज जैसे सर्च की, जैसे हमको मोबाइल चाहिए आईफोन का, मान लीजिए आईफोन हमें अगर चाहिए, हमने अमेजोन पे सर्च किया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा उस पे हमारी नजर रखेगा कि जो यूजर है ये अपने मोबाइल पे क्या यूज कर रहा है, क्या चीज चाहता है उसको ये अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा। अब यही चीज जैसे हम फेसबुक ओपन करें या इंस्टाग्राम ओपन करें या ढेर सारी सोशल मीडिया जो होती है उस पर भी हमें यही आईफोन दिखाया जाएगा, ये बीच बीच में कहीं ना कहीं ये आता रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। क्यों ये आएगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया ये आईफोन इन्होंने सर्च किया है, ये आईफोन लेना चाहते हैं तो यही बार बार दिखाया जाएगा तो शायद ये इस चीज को ले लें। बाकी अगर हम AI की बात करें तो AI में दोस्तों बहुत
ढेर सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। एक हम वीडियो अलग से लेकर आएंगे जो आपको बताएंगे आर्टिफिशियल कैसे बना, इसमें क्या यूज होता है और कैसे इसको डेवलप किया गया है, इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करेंगे। हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। दोस्तों अगर आपको कहीं भी मेमोरी का शब्द अगर मिल जाए तो इसका मतलब आपको केवल ध्यान रखना है कि ये जो काम करेगी किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करेगी, ये किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करेगी। जैसे हम आपको समझाएं कि मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, यानी कि याद रखना। हम किसी चीज को तभी याद रख पाते हैं जब उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि अगर हम आपको कुछ बता पा रहे हैं तो ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होगी। इसी तरीके से कंप्यूटर में किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी डिवाइस हो जिसमें मेमोरी पीछे लगा हो, उसका मतलब क्या होगा, किसी ना किसी डेटा को स्टोर करेगी और उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज डिवाइस। और हम मेमोरी के टाइप्स के बारे में बात कर ले तो मेमोरी हमारी होती है 2 टाइप्स की। पहला जो होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, पहला होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है और इसके अंदर जो मेमोरी आती है प्राइमरी मेमोरी के अंदर उसका नाम है रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर लें तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है डायरेक्टली सीपीयू द्वारा हमारे एक्सेसिबल नहीं होती है और इसके अंदर जो आते हैं हमारे ये होता है यूएसबी, यूएसबी होता है, ब्लूरे होता है और फ्लॉपी डिस्क होता है। और सबसे मेन हमारा हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अब एक एक के बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे आपने देखा सबसे पहले कि मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है, इसके अंतर्गत हमारा रैम और रोम आता है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है और इसके अंतर्गत जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसका नाम है यूएसबी, ब्लूरे, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। अब एक एक करके बात कर लेते हैं रैम, रोम, यूएसबी सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम के बारे में। जितने भी लोग इस चीज को पढ़ रहे हो कॉपी और पेन लेकर बैठी, क्योंकि हम यहाँ पर अगर हर चीज लिखने लगे तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। उसका फुल फॉर्म आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। जैसे हम रैम के बारे में बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी ही क्यों पड़ा, क्योंकि यह किसी भी डेटा को रैंडमली तरीके से स्टोर करने का काम करती है, इसलिए इसको बोला गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको ये भी बोला जाता है ओला टाइड मेमोरी, ओला टाइल मेमोरी, इसको बोलते हैं ओला टाइल मेमोरी। अब इसको ओला टाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज पर डिपेंड होती है। वोल्टेज का मतलब हमारा ये है कि जब तक हमारे कंप्यूटर में वोल्टेज है, यानी कि जब तक लाइट आ रही तब तक जो रैम में हमारा डेटा स्टोर है तब तक तो स्टोर रहेगी। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ हुआ रैम पर जो भी डेटा हमारा स्टोर रहेगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल में बात करें, ये कंप्यूटर है और इस पे हमने मान लीजिए एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन किया, एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन किया तो ये जो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है ये किस मेमोरी पर स्टोर हुआ है, ये रैम पर। यानी कि एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है इसके लिए, इसको ओपन होने के लिए कोई ना कोई स्टोरेज डिवाइस चाहिए, तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, रैम। अब रैम पे हमें कोई भी चीज खोलना नहीं होता है, हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि जो रैम होता है यानी प्राइमरी मेमोरी जो होती है सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। तो जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं ये रैम का स्टोरेज ले लेती है और ये चीज वहां पर ओपन हो जाती है। तो ना अभी इसको वोल्टेज डिवाइस क्यों बोले, इसको वोल्टेज डिवाइस इसलिए बोले कि अगर मान लो अचानक से लाइट चली जाए, अचानक से लाइट चली जाए हमारी, यानी कि
लाइट हमारी क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। उसके बाद से हम अगर कंप्यूटर को ओपन करें तो हमारा रैम पर एक्सेल ओपन नहीं मिलेगा, या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन किए हैं तो तब तक ही ओपन रहेगा जब तक लाइट रहेगी। अदरवाइज जैसे ही लाइट जाएगी उसके बाद हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो रैम पर तो जो चीज़ हम सॉफ्टवेयर खोले थे वो हमें दोबारा नहीं मिलने वाली है। इसलिए हमने इस रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोला। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज पर डिपेंड है और इसको हम लोग परमानेंट टाइप नहीं टेम्परेरी टाइप्स की मेमोरी बोलते हैं। टेम्परेरी मेमोरी क्यों बोलते हैं? अभी हमने कुछ देर बताया, पहले बताया कि ये किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है, टेम्परेरी तरीके से स्टोर करती है। टेम्परेरी का मतलब कि जब तक लाइट रहेगा तब तक स्टोर करेगी, लेकिन जैसे ही लाइट चली गई उस डेटा को लॉस कर दी गई। अब हम इसके बारे में एक बात और हम करते हैं कि इसमें जो भी डेटा रहेगा उसको हम रीड कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं, यानी कि रैम को हम लोग रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रैम के बारे में हमने कितनी चीज जानी। पहली चीज ये जानी कि रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। दूसरी बात हमने जानी कि ये वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। तीसरी बात हमने ये जानी कि इसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद से इसका जो चौथा है इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। सारी बात प्राइमरी मेमोरी इसलिए हमने इसको बोला क्योंकि ये सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल थी। वोलेटाइल इसलिए बोला क्योंकि ये वोल्टेज पे डिपेंड है। रीड राइट इसलिए बोला क्योंकि इस पे हम लोग किसी भी चीज को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं। मेन मेमोरी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मेन, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर जो चलता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है। हमारा जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो कहाँ पर लोड होता है? रैम पर ही लोड होता है। अगर रैम ही ना रहा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब ओपन ही नहीं होगा तो हम उस पर कुछ भी नहीं चला सकते। इसलिए क्या है? मेन मेमोरी है। यही मेन मेमोरी इसीलिए इसे बोला गया क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ओपन करते वक्त। लेकिन जब तक ओपन नहीं रहेगा हमारा कंप्यूटर तब तक जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहेगा ये हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा। जैसे कंप्यूटर ऑन होगा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स रहेगी हमारे रैम पर स्टोर हो जाएगा और उसके बाद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोम के बारे में। हम इसका फुल फॉर्म लिखने वाले नहीं हैं, हम आपको बता देंगे, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अच्छा लिख देते हैं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब आप देख जैसे देख लीजिए, जैसे हमने कहा भैया जैसे मेमोरी आ जाए आपको क्या बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ये किसी न किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही होगी। ओनली का मतलब आप तो समझते होंगे केवल, इसका मतलब है केवल। केवल मतलब क्या? ये केवल रीड करेगी, यानी कि रोम तो एक प्राइमरी मेमोरी है ये आप जानते हैं, और ये क्या करेगी? केवल केवल किसी भी डेटा को रीड कर सकती है, राइट नहीं कर सकती। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं ये क्या किस टाइप की मेमोरी है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये किस टाइप की मेमोरी है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं है। वोल्टेज हो चाहे ना हो, जो भी डेटा इस पे स्टोर कर दिया गया है ये डेटा उस पर स्टोर रहेगी। जैसे हम बात करें, जैसे हमारे कंप्यूटर्स की टाइमिंग होती है या किसी भी डिवाइस के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है ये हमारे सब रैम में पहले से ही स्टोर कर, रोम में पहले से ही स्टोर कर दी जाती हैं, ताकि जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन हो वो पहचान ले कि इसमें कौन सा कीबोर्ड लगा है, कौन सा माउस है, क्या टाइमिंग है। ये जो डेटा रहेगा सब रोम में स्टोर रहेगा, ये सब आपको ऐसे हमेशा मिलेंगी। ये वोल्टेज पे नहीं डिपेंड है कि वोल्टेज चला गया तो जो टाइम था ये गलत हो जाएगा, या जो हमारा कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन थी या माउस की या जो भी इंटरनल इंफॉर्मेशन थी ये लॉस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लाइट रहे या ना रहे जो भी इसमें स्टोर कर दी जाएगी चीज ये स्टोर रहेगी। जैसे हम आपको बात करें कि जो
मुलायम सिंह का लैपटॉप आप लोगों को मिला होगा, उस पे क्या लिखा था, पूरे होते वादे, उसको कोई मिटाल नहीं सकता। और रोम पे लिखा है, जितनी बार हम उसको ओपन करते हैं हमेशा लिख के आता है पूरे होते वादे। तो उसको कहाँ पर राइट किया गया है, रोम पर राइट किया गया है। इसको बात करें तो हमारी जो रैम थी वो कैसी, टेम्परेरी मेमोरी थी, लेकिन ये क्या है, परमानेंट टाइप मेमोरी, परमानेंट टाइप मेमोरी है ये ना। परमानेंट ये क्यों है, क्योंकि ये किसी भी डेटा को परमानेंटली तरीके से स्टोर करती है। उसके बाद से अब यहां पे हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि रोम के बारे में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले जाना कि रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, केवल रीड कर सकती है किसी डाटा को। ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं है, इसलिए नॉन वोलेटाइल है। ये किसी भी डेटा को परमानेंटली तरीके से स्टोर करती है, इसलिए परमानेंट मेमोरी है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, बात करते हैं रोम्स के जो टाइप हैं, कितने टाइप्स का होता है रोम। तो रोम का जो सबसे पहला टाइप है पी रोम, एक एक करके बात करेंगे। फुल फॉर्म आप लोग इसका लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम जानेंगे कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। रोम तो पीछे लगा है, रोम की कहानी हमने बता चुका है, ये हमेशा वही कहानी रहेगी इसके कि भैया मेमोरी लगा है तो क्या होगा, ये किसी भी डेटा को स्टोर करेगा, ये केवल और केवल रीड करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर तो अभी तो हम किसी प्रोग्राम को लिख नहीं सकते थे, ये पहले से जो भी इसमें स्टोर था वो तो स्टोर था है कि हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ, ये पहचान लिया जो भी चीज थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं रोम को। जैसे अभी हमने पूरे होते वादे कहे तो रोम पर भैया नहीं स्टोर था, वो कहां पर स्टोर होगा, हमारा पी रोम पर, क्योंकि उस पर हमने लिखा है कि पूरे होते वादे, या जो पिक्चर हमने उस पर लिखा है। यहाँ पे हम लोग लिख नहीं सकते थे, यहाँ पे हमने उस चीज को लिखा, तो यहाँ पे हम लोग केवल लिख सकते थे पी रोम पर लिख पाएंगे, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इस पर हम लोग केवल लिख पाएंगे, उसको मिटाल नहीं सकते, यानी कि केवल इस पर हम लोग राइट करने की परमिशन तो मिल गई। राइट मतलब इसमें किसी भी प्रोग्राम को तो स्टोर करने की परमिशन मिल गई, लेकिन उसको क्या, वाइप यानी कि क्लीन करने की परमिशन नहीं मिली। यानी कि जो पूरे होते वादे हैं आप उसको देख तो सकते हैं, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा जैसे यहाँ पे लिखे हैं पूरे होते वादे और इनकी पिक्चर आ रही है, ऐसे हमारा नाम लिख के आए और हमारी वहां पे पिक्चर शो हो, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया जो कंपनी वालों ने इसे प्रोग्राम कर दिया है वही केवल लिखा रहेगा और यहाँ पे आप उसको क्लीन नहीं कर सकते। अभी हमने बता करते हैं ईपी रोम। ईपी रोम में क्या है, पहले जो हमारा पी रोम था इसमें क्या, हम लोग केवल किसी भी डेटा को क्या प्रोग्राम कर सकते थे, इरेज नहीं कर पाते थे। लेकिन ये ईपी रोम है, इस पे हम क्या कर पाएंगे, इरेज कर पाएंगे किसी भी प्रोग्राम को ना। तो ये जो ईपी रोम है इसका मतलब ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो भी इस पे प्रोग्राम हो गया है ये डेटा क्या हो पाएगा, ये हमारा इरेज हो पाएगा। और भी किसके थ्रू, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू ये इरेज होगा। भैया अब हमारे पास समस्या क्या आ गई कि हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, हमारे घर में तो होती नहीं है। तो इसको हमारे पास रीड कराने के लिए तो हमें कंपनी के पास जाना पड़ता था कि भैया रोम पे अगर हमारी ये समस्या आ गई है, माउस नहीं कनेक्ट कर रहा है यार, कीबोर्ड नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, रोम में इसका कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें कंपनी के पास जाना पड़ता था। तो कंपनी क्या करती थी, उसको हमारा राइट करके देती थी इरेज करके इससे अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि भैया क्यों ना बना दें, इनकी समस्या को दूर कर दें, एक बना दें डबल ईपी रोम। तो उन्होंने क्या किया, इस समस्या को दूर करने के लिए बनाया डबल ईपी रोम, जिसका मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि भैया पहले तो प्रोग्राम होता था इस मेमोरी के थ्रू ना, इरेज नहीं कर पाते थे, लेकिन ये जैसे आया हमारा ईपी रोम, इस पे क्या जो भी प्रोग्राम था उसको हम केवल केवल इरेज कर पाते थे कंपनी के थ्रू। लेकिन कंपनी वालों ने सोचा कि इनको ही ना क्या परमिशन दे दें, ये इरेज कर पाए और राइट कर पाए। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल ईपी रोम। डबल ईपी मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अब इस पे जो प्रोग्राम है इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली का मतलब यानी कि बिजली के थ्रू, लाइट के थ्रू वो इरेज होता हो जाता है। हमारा कंप्यूटर जो चलता है बिजली के थ्रू चलता है, लाइट के थ्रू ही चलता है, तो ये अपने आप इरेज हो जाता है। जैसे अब हम बात करें जो पहले के कंप्यूटर थे,
पहले के जो कंप्यूटर थे उस पे जो रोम लगा होता था हमारा पी रोम, वहां पर जिस माउस के लिए प्रोग्राम किया जाता था, जिस कीबोर्ड के लिए प्रोग्राम किया जाता था, केवल वही माउस और कीबोर्ड उस पे चल सकता था। अगर हम दूसरे कंपनी का माउस या कीबोर्ड लाते तो वहां पर नहीं चलता, यहाँ पर नहीं चलता, क्या करना पड़ता भैया, कंपनी के पास ले जाना पड़ता। तो ये क्या करते, पी रोम को ही चेंज करना पड़ता। क्यों? क्योंकि भैया इस पे केवल प्रोग्राम कर सकता था कंपनी को, चाहे जो जो इस पे प्रोग्राम कर दिया, वो प्रोग्राम है, उनकी भी समस्या थी। लेकिन उन्होंने बना लिया ईपी रोम, उन्होंने कहा कि भैया ये कब तक करेंगे, एक बार राइट करने के बाद फिर खरीदेंगे, बहुत ज्यादा पैसे खर्चा होंगे, बहुत समस्या आ रही थी। तो उन्होंने बनाया ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उन्होंने कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे, उस रोम को फेंकेंगे नहीं, अब आप लाइए, हम उसको इरेज करके उसी पर राइट कर देंगे। तो क्या अब यहाँ पर हमारे पास किसी भी कंपनी का माउस हो, जैसे कि पहले किसी भी कंपनी का पी रोम था, वहां पर तो हमारा राइट जो भी था इंफॉर्मेशन माउस या कीबोर्ड का इस पे राइट है, ठीक है। दूसरे कंपनी का लगाना चाहें तो भैया कंपनी के पास जाना पड़ेगा, कंपनी क्या उसी पी रोम पर क्या करेगी, उसको अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू पहले क्लीन कर देगी, रेज इरेज कर देगी, फिर उस पर राइट कर देगी कि भैया आप ये इस कंपनी का माउस और कीबोर्ड चलाना चाहते हैं। लेकिन कंपनी के पास ये समस्या बहुत ढेर सारी आ गई कि भैया कोई उनके पास कस्टमर ही नहीं आएगा कि लेके जाएगा, भैया कंपनी के पास भीड़ लगी रहेगी, मतलब बहुत समस्या उनके पास थी। उन्होंने क्या सोचा, थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए, तो उन्होंने बनाया क्या ईपी रोम उन्होंने बना दिया। तब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का माउस या कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो उस पे जो लिखा है उससे हमें नहीं मतलब है। जैसे हम नया लेके आए किसी भी कंपनी का हो, जैसे ही माउस लगाते हैं वो कनेक्ट हो जाता है, माउस लाते हैं, कीबोर्ड लाते हैं या कोई भी डिवाइस लाते हैं इस समय, पेरिफेरल्स डिवाइस, वो तुरंत कनेक्ट हो पाती है। क्यों हो पाती है? क्योंकि ये भैया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी है ना। क्यों? जैसे हमने माउस लाया और इसको लगाया भैया, तैसे ये क्या करेगा, जो पिछला वाला प्रोग्राम था उसको क्या कर देगा, इरेज कर देगा। किसके थ्रू कर देगा? लाइट के थ्रू कर देगा इरेज। अब वो कहेगा कि भैया अब ये इस कंपनी का चलाना चाहते हैं, और ये इस पे प्रोग्राम राइट हो जाएगा, और ये तुरंत माउस काम करने लगेगा, कीबोर्ड या जो भी पेरिफेरल्स डिवाइस होंगी ये हमारी काम करने लगेंगी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी, जैसा अभी हमने बताया था आपको कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं यूएसबी। यूएसबी जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, यूनिवर्सल सीरियल बस का। ये शॉर्ट फॉर्म हमारा होता है यूनिवर्सल सीरियल बस का, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या काम करता है, ये हमारा जो यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी हमारा जो पोर्ट रहता है, ये क्या करता है, 127 तरीके के पेरिफेरल्स डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं यूएसबी के थ्रू। और यूएसबी जो हमारा डिवाइस है, ये सेकेंडरी डिवाइस है, ये कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। ये इसको हम लोग बाहर से लगाते हैं, और जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से इसमें स्टोर कर लेंगे, और जहां जिस कंप्यूटर में हमें ले जाना हो वहां पे ले जाके हम इसको स्टोर कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर में। ये छोटा सा होता है हमारा, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए इसको पेरिफेरल्स डिवाइस भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क बोले या हार्ड ड्राइव बोले, ये भी क्या हमारा है, सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड ड्राइव जो होती है ये यूएसबी और फ्लॉपी डिस्क, यानी कि जितने भी तरीके के डिवाइस होती हैं, सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क के पास ही क्या होती है, स्टोरेज क्षमता होती है। ये किसी भी डेटा को बहुत ज्यादा ही अमाउंट में स्टोर करने की क्षमता रखती है। इसके बाद जो हमारा आता है ब्लू रे भी एक प्रकार का क्या है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। और इसमें हमारा आता है ऑप्टिकल डिस्क भी आता है, ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। और हमारा आता है फ्लॉपी डिस्क भी हमारा
सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हम इन सबकी जिसकी बात कर रहे हैं ये सब एक प्रकार की मेमोरी है। ये सब काम क्या करेंगी, किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करेंगी, और ये सब किस कैटेगरी में है, सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में है। अगर फ्लॉपी डिस्क का बात कर लें तो फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होता था, जब से हार्ड डिस्क आ गया तब से फ्लॉपी डिस्क का यूज कम हो गया, अब ना के बराबर इसका हो गया है यूज। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइज थी 3.5 इंच वाली, इसमें केवल और केवल 1.44 MB की स्टोरेज क्षमता थी, और जो हमारा 5.24 इंच वाला फ्लॉपी डिस्क था उसके पास केवल 1.2 MB की स्टोरेज क्षमता थी।